बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आप भी हो जाएं सावधान, अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो तुरंत करा ली अपना इलाज, नहीं तो आपको भी हो जाएगी ऐसी बीमारी जिनका नहीं है कोई इलाज। ठीक ऐसे ही घटना रुपोली के रहने वाले उमेश राम के पुत्र पंकज राम के साथ हुई है, जो अभी इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। रुपोली के रहने वाले पंकज राम को कुत्ते ने काटा था, जिसका इलाज समय पर नहीं कराने के कारण आज स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसके कारण युवक ने अपनी दिमागी संतुलन खो दिया है। परिजन बताते हैं कि 2 महीना पूर्व पंकज राम को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते काटने की जानकारी परिजनों ने किसी को नहीं दी, जिसके कारण समय पर इलाज नहीं होने से आज उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और वह पागल जानवरों की तरह हरकतें करने लगे हैं। परिजनों ने आनन फानन में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लाया, जहां डॉक्टरों ने पंकज राम का इलाज करने के बाद पटना रेफर कर दिया। पंकज राम के चाचा ने बताया कि 2 से 3 माह पूर्व पंकज राम को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था। इस बात को हल्के में ले लिया और इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी। जब इसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, तभी परिजनों ने रेफरल अस्पताल रुपोली में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने के बाद राजकीय चिकित्सक महाविद्यालय अस्पताल पूर्णिया रेफर कर दिया। यहां एक बार डॉक्टर ने जब इलाज किया तो उसमें रेबीज पाया गया, जिसके कारण रेफर कर दिया गया। जब डॉक्टर से इसके बारे में पूछताछ की गई तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है, समय पर एंटी रेबीज का सुई लेना ही बचाव है। यह संक्रमण जंगली जानवरों के काटने से फैलता है। वहीं अस्पताल परिसर में युवक की हरकतें पागल जानवरों की तरह होने लगा है, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। साधन के बाद में आर्थिक कौन है आपका भतीजा? क्या हुआ है? कुत्ता काटा 2 महीने पहले। कुत्ता काटा 2 महीने पहले कुत्ता काटा था। अभी क्या हो गया? अभी कॉलेज लाए, उनको सुई दिया, सुई देने के बाद रेफर कर दिया। आज सुई दिया जी। तो कैसा कैसा हरकत कर रहा है ये? जब से सुई पर आया तब से जो है इनको हवा बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरा छटपट कर रहा है, दौड़ भाग रहा है जी। तभी यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पर लाए थे इनको जो है पटना रेफर कर रहा है। अच्छा, जिसमें कुत्ता काटा उसमें सुई दिलवाए थे इनको? झाड़ फूक किया था, सुई नहीं दिलवाए थे। नहीं दिलवाए थे, हमको जानकारी नहीं होने दिया किसी परिवार को। शादीशुदा है वो जी? शादीशुदा है जी। कि बाल बच्चा है उनका जी? बच्चा भी है उनको जी? ने बच्चा नहीं। अच्छा, कब शादी हुआ था? कब शादी हुआ था जी? शादी कितने दिन पहले हुआ था? 3 साल पहले हुआ था। 3 साल पहले हुआ था। क्या नाम है उनका? पंकज कुमार राम। पंकज राम। पिताजी का क्या नाम है उसका? स्वर्गीय उमेश राम। घर कहाँ है उनका? घर रुपोली। रुपोली पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम? उपलेश्वर। कौन है आपका? देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।